नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति शासी निकाय की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे, SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव सहित समिति के अन्य सदस्य और चिकित्सक मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिला चिकित्सालय में मूलभूत सुविधाओं के संबंध में चर्चा की गई तथा कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों को उपलब्ध कराने तथा उसके प्रभाव पर अंकुश लगाने की रणनीति तैयार की गई, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जिला चिकित्सालय में मेडिकल सुविधाओं को और बेहतर बनाए जाने पर चर्चा की गई है। साथ ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह और दूरभाष पर बात करते हुए SIC डॉक्टर AC श्रीवास्तव ने कहा, सर इनको देना किसको है? सभी स्टाफ को, डॉक्टर भी होंगे सर, डॉक्टर से लेके क्लास 500 चाहिए, 500 अभी ऑर्डर देंगे, आज कोटेशन दे दो, कोटेशन कोई नहीं, तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं अभी उसे क्या है उसका करीब 25% इसमें इस पर पे यूज होता है, 150 से अधिक 30 रुपए का उसके मुझे 10 रुपए लग रहे सर, मीटर में 10 रुपए लगेंगे, एक मीटर फ्री दे दो, लोगो रहेगा, नीचे चश्मा रहेगा और नीचे अच्छी ब्रांड बताए, और कोई राय बताए? तो वही है कि घर में बच्चे रहेगा, चिकित्सालय बाउंड्री वॉल पर सौंदर्यीकरण हेतु पेंटिंग करवाना है, तो बाहर जो पेंटिंग है वो पेंटर होते हैं। आज DHS की बैठक अभी हुई है संपन्न, जिसमें जो जिला अस्पताल है उसमें जो जो और मूलभूत सुविधाएं हैं उसको कैसे बेहतर और सुदृढ़ बनाया जाए और तीसरी लहर को मद्देनज़र रखते हुए उस पर निर्णय लिए गए हैं और डिटेल निर्णय जो हम आपके साथ अभी शेयर कर देंगे, जारी कर देंगे। जिला अस्पताल की शासी निकाय की बैठक थी जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होती है, लेकिन किसी कारण वह जिलाधिकारी कहीं व्यस्त थे तो उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए CDO साहब को भेजा था। इसमें बैठक में मेनली उस मुद्दे पर चर्चा होती है कि इस साल किस किस दिन किस किस बातों पर चिकित्सालय को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए ध्यान दिया जाएगा और इसमें आपके जो भी पैसे रोगी कल्याण समिति में आते हैं उसको किस प्रकार से खर्च किए जाएंगे। इसमें एक मुद्दा था कि 800 वार्ड का टॉयलेट खराब है तो पूरा एक नया टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाना है और इसको बनाया जाएगा। दूसरा मुद्दा था फिजियोथेरेपी की छत खराब हो चुकी है, ठीक कर रही है, इसको आवश्यकता अनुसार नया छत डाला जाए या तो इसको रिपेयरेबल हो तो रिपेयर कराया जाए। तीसरा मुद्दा था वार्ड में इस मरीजों के रिस्टार के लिए बेंच की व्यवस्था की जाए। एक इसका था कि जो डॉक्टर कोविड में बहुत काम किए हैं और रहे हैं पूरी तन्मयता से, उनकी उनको थोड़ा सा रिलैक्स और सुविधा देने के लिए और वो आराम से पेशेंट को देख सके इसके लिए जो भी OPD है उनको उनमें AC लगा दी जाए। कोशिश की जाएगी विंडो AC की, जहाँ विंडो AC की सुविधा नहीं है वहां पर स्प्लिट AC दिया जाए, जिनकी छतें ऊंची हैं उनका वह फॉल सूटिंग करा दी जाए। पोस्ट कोविड के लिए हमारा ऑलरेडी थर्ड वेव के लिए जो चलता है वो एक कोविड हॉस्पिटल नहीं है, सबके दिमाग में रहे दिस हॉस्पिटल इज नॉट कोविड हॉस्पिटल। वैसे ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कुछ वाला काम चल रहा हो तो चलेगा ही, एक प्लांट के लिए जगह हो चुकी है, जब भी प्लांट लग जाए दूसरा जो है PM केयर फंड से लग रहा है तो PM केयर फंड से जैसे आए जगह में दिया जाएगा, इसको NHIA वाले लगवा रहे हैं उनको लगवा दिया जाएगा। कोविड दूसरे से COVID-19 के पोस्ट कोविड के लिए उनमें वो चल रहे हैं जो OPD न्यू OPD में पोस्ट कोविड मरीजों के लिए और कितने बच्चों के लिए
पूरे सभी चिकित्सकों को बच्चों को वहीं पर कर दिया गया है, जिससे कि उनके माताओं और बच्चों को रोड क्रॉस ना करना पड़े और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी वहीं कर दिया जाएगा। बस यही सर।